राज्य स्तरीय 3 दिवसीय अंडर 19 छात्र छात्रों की एथलेटिक प्रतियोगिताएं अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक पर आरंभ हो गई हैं। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा दीप प्रज्वलित कर 3 दिन तक चलने वाली एथलेटिक प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ किया। राज्य स्तरीय 3 दिवसीय अंडर 19 छात्र छात्रों की एथलेटिक प्रतियोगिताएं आज अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक पर आरंभ हो गई। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा दीप प्रज्वलित कर 3 दिन तक चलने वाली एथलेटिक प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि को शॉल टोपी पहनाकर बस स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बच्चों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई और विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि इस राज्य स्तरीय 3 दिवसीय अंडर 19 प्रतियोगिता में वे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जो खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता रहे हैं। स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने खिलाड़ी छात्रों का आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लें, जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। प्रदेश सरकार खेलकूद प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए व्यय कर रही है तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान करने के अलावा सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने खिलाड़ी छात्रों से नशे से दूर रहने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने तथा इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बच्चे यहाँ जो भी पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे अपना पूरा दम, पूर्ण उम्मीद है कि जो भी आपका यहाँ इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जितने भी यहाँ पर लगे हुए हैं आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आएगी। हर चीज का ख्याल रखा जाएगा और आपने बच्चे डिसिप्लिन में रहकर एक फ्रेंड्स जैसे आपस में फ्रेंडशिप होती है उसी ढंग से इस टूर्नामेंट में आप अपना पार्टिसिपेशन देंगे और जो मेडल है जो टॉप उसको प्राप्त करने के लिए आप अपना भरपूर प्रयास भी करेंगे। जो यहाँ ट्रॉफी जीत के जाएंगे, मेडल जीत के जाएंगे, मेरे अगले साल वो उस ट्रॉफी को प्राप्त करें उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप भी महसूस कर रहे हैं कि आज हमारा जो युवा जो नेतृत्व युवा जो बच्चे हैं हमारे वो ड्रग्स की ओर भी अफेक्ट हो रहे हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ रहा है और मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आज 100 में से 25 बच्चे हमारे जो हैं उनको बहुत ड्रग्स एडिक्टेड हो गए हैं। बच्चों बहुत बहुत बुरी लत है ये और जिस बच्चे को ये लग गई तो बच्चों उसका कैरियर क्या, उसका उसकी लाइफ ही समझ चली गई, परिवार खत्म हो गया और परिवार के साथ साथ वो समाज वो प्रदेश वो देश जिस देश का 25% युवा जो है वो अगर ड्रग एडिक्टेड हो जाए तो उस देश का उस प्रदेश का भविष्य क्या होगा। बच्चों ड्रग से दूर रहिए और बिल्कुल अवेयर रहिए, इस कंपनी को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर जब आपको पता भी लगता है कि कोई आपको ड्रग सप्लाई यहाँ पे कर रहा है इमीडिएट उसकी सूचना जो आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को दीजिए। यहाँ पर सरकार इसमें पूर्ण जागरूक है, सरकार ने कड़े नियम बना दिए हैं। हालांकि इस नारकोटिक एक्ट में अमेंडमेंट भी की जा चुकी है और जो बच्चा ड्रग्स लेता हुआ या सप्लाई करता हुआ पाया गया तो उसकी अब जमानत नहीं होगी, उसको काफी सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ड्रग्स से दूर रहिए, इमीडिएटली आप उसका जो प्रॉपर स्पेस फोरम पे जाके उस पर कार्रवाई करने के लिए सूचना दें आप। दूसरे मैं आपसे एक और सहयोग चाहूंगा कि अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल को प्लास्टिक मुक्त किया है। बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट ठीक रहे, हमारा वातावरण ठीक रहे, जब हमारा एनवायरनमेंट ठीक रहेगा बच्चों ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे हेल्दी होंगे और जब बच्चे हेल्दी होंगे तो ऑटोमेटिकली समाज हमारा देश हमारा प्रदेश हेल्दी होगा। तो बच्चे मेरा से निवेदन है और मुझे आप जो यंग जनरेशन है उसको देख के मुझे खुशी भी होती है कि हमारे यंग बच्चे जो है वो सफाई के मामले में बहुत जागरूक है।
तो मेरी प्रॉब्लम यह है बच्चों, प्लास्टिक का कम से कम बल्कि बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त स्टेट हो गई है। लेकिन प्लास्टिक मुक्ति तभी होगी जब आप बच्चों को हमें पूर्ण सहयोग मिलेगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो प्लास्टिक का पूर्णतया प्रयोग नहीं करेंगे, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी, हमीरपुर भाजपा मंडल महासचिव हरीश शर्मा, राजेश गौतम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर की प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर, ADPEO राजेंद्र शर्मा, जिला DPI संघ के अध्यक्ष सुनील कपिल, समन्वयक जिला एथलेटिक मीट प्रवीण पठानिया, SMC अध्यक्ष अंजना कुमारी भी उपस्थित रहीं।